हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि हम लोग जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे तो जिस दिन ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता था उस दिन से लेकर के 15 साल तक हम उस ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते थे, उसके बाद ही हमें जो है उसे रिन्यू कराना होता था। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें वैलिडिटी यानी जो वैधता है उसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया है। उसी अपडेट के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं कि अब जो है कितने उम्र तक यानी कितने साल तक जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा। तो इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में दोस्तों हम लोग परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जो है आज से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे तो जिस दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता था उस डेट से लेकर के आप 15 साल तक उस ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते थे, उसके बाद ही जो है आपको उसे रिन्यू कराना होता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या बदलाव किए गए हैं यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी के बारे में। देखिए, प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि जो हम लोग अपने घरेलू यूज के लिए जैसे अपनी मोटरसाइकिल हुई या फिर अपना चार पहिया वाहन हुआ उसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं उसकी जो वैलिडिटी है ना उसको 20 वर्ष कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी जिस डेट को आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू होगा उस डेट से आपका जो है 20 साल तक मान्य होगा। लेकिन ये जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका 20 साल तक वैलिड होगा ये तभी होगा जब आप जल्दी से जल्दी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक और कंडीशन बताई गई है कि अगर आपकी उम्र 40 साल तक हो जाती है तो उसके बाद जो है आपको दोबारा से इसे जो है 10 साल के लिए रिन्यू कराना होगा और उसके बाद जो है दोबारा से आपको इसे 5 साल के लिए रिन्यू कराना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है कि अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है 25 साल की उम्र में आप बनवाते हैं तो 40 साल तक वो मान्य रहेगा, यानी टोटल आप जो है 15 साल तक उस ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते हो। अगर आपने अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस 23 साल की उम्र में ही बनवा लिया तो आप उसे 17 साल तक यूज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 30 साल की उम्र में बनवाया तो केवल आप 10 साल तक ही उसको यूज कर पाओगे, यानी जब तक आपकी उम्र जो है 40 साल हो जाएगी तो फिर से जो है आपको उसे रिन्यू कराना होगा अगले 10 साल के लिए यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जब आप पहली बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं जितना जल्दी आप बनवा लेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, जो कि आपकी उम्र जब तक 40 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक वो वैलिड रहेगा। 40 वर्ष हो जाने के बाद जो है आपको फिर से इसे जो है रिन्यू कराना होगा 10 साल के लिए और फिर 10 साल के बाद भी जो है आप इसे 5 ईयर के लिए फिर से जो है रिन्यू करवा सकते हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसके नीचे भी तीन कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं, ये भी कंडीशन को आपको समझ लेना है। इसमें लिखा है इफ द एज ऑफ एप्लीकेंट ऑफ द डेट ऑफ इशू रिन्यूअल इज द लेस देन 30 ईयर्स, यानी कि अगर आपकी उम्र जो है 30 साल से कम है तो अगर आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो ये जो मान्य रहेगा वो 40 वर्ष तक रहेगा। जैसा कि मैंने आपको ये वाली कंडीशन में बताया था कि आपकी उम्र जब तक 40 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो मान्य रहेगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन बताई गई है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर आपकी उम्र जो है 30 साल है या फिर जो है 30 साल से ऊपर के हो आप और 50 साल से नीचे की उम्र है तो ये जो मान्य रहेगा वो केवल 10 साल के लिए मान्य रहेगा। यानी 30 साल से ऊपर आपकी उम्र हो चुकी है और 50 साल से नीचे की है और इस बीच में अगर आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी रहेगी ना वो केवल और केवल 10 साल के लिए रहेगी, उसके बाद जो है दोबारा से आपको इसे रिन्यू कराना होगा। यहाँ पर जो है तीसरी कंडीशन भी रखी गई है कि अगर जो भी कैंडिडेट जिसकी उम्र जो है 50 साल से ऊपर है या फिर 50 साल है और 55 साल से नीचे है, इस बीच में अगर कोई भी कैंडिडेट जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाता है या फिर रिन्यू करवाता है तो वो केवल और केवल जो है उसकी 60 वर्ष की उम्र तक ही वैलिड रहेगा। यानी 50 साल से 55 साल के बीच में अगर कोई रिन्यू करवाएगा या फिर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो जब तक उस व्यक्ति की उम्र 60 साल नहीं हो जाती है तब तक वो मान्य रहेगा। इसके अलावा जो अगली कंडीशन यहाँ पर बताई गई है इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर व्यक्ति की उम्र 55 साल से ऊपर है या फिर 55 साल कंप्लीट कर चुका है तो उसको जो है 5 साल की वैलिडिटी के लिए ये जो वैलिड पीरियड होगा यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाएगा चाहे वो नया हो चाहे रिन्यू उसने करवाया हो 55 साल की उम्र के बाद तो उसका 5 साल तक वैलिड ही रहेगा। इसके अलावा अगर वो आगे भी स्वस्थ रहता है उसका शरीर अच्छे तरीके से काम करता है तो आगे भी वो 5-5 साल के लिए रिन्यू करा सकता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जितनी भी यहाँ पर कंडीशन बताई गई है
इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी वो मान्य होगी। तो अभी के टाइम में बस आपको इतना समझना है कि जितना जल्दी आप जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।